ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट्स डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारा यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशंस। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक माना जाता है। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, जब कुछ पूछेंगे तो बताइएगा। तो जो टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशंस। ठीक है, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज क्या क्या है, तो मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, उसके बाद करेंट, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, तो उतना लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम बताते हैं। तो देखिए, देर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी, देर आर 7 बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, सबका असाइनमेंट बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, असाइनमेंट तो डिस्कस कर ही लिए थे, अभी हम एक नया चीज़ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, तो डायमेंशन फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा बोलेंगे कि एक स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, और डायमेंशन का यूज करके हम लोग किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ का डायमेंशन लिया जाता है एल। ठीक है, मास का डायमेंशन होता है एम, मास का डायमेंशन एम होता है। ठीक है, टाइम का होता है टी, इलेक्ट्रिक करेंट का आई भी होता है, ए भी होते हैं, टेम्परेचर का के होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, एल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला या सीडी होता है। ठीक है, सीडी होता है। तो दीज आर बेसिक डायमेंशंस। ठीक है, 7 बेसिक डायमेंशंस हैं। डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहले ये 3 चीज़ दिमाग में डालो कि मास का डायमेंशन एम है, लेंथ का डायमेंशन एल है और टाइम का डायमेंशन टी है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल होगा। ठीक है, डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल। इसके बाद अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वॉट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही होता है, हाँ, तो इसका भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओ, आप लोग को मैक्सिमम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है, तो तुम लोग को पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस लेंथ हुआ और टाइम टी हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए एल और टाइम के लिए कैपिटल टी, तो मिलेगा एल टी माइनस वन। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ तुम लोग कोई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ, तो उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, चलो सही, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट तुमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, चलो अब शॉर्ट में लिखते हैं, एक्सीलरेशन को एस नोट किया जाता है। ठीक है, एल वन टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, ठीक है, चलो बहुत सही। जैसे अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो पहले सोचेगा कि एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऐसा होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला।
अब तुमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो एक चीज पहले डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो कि डिस्टेंस में अगर इंटरेस्टेड हो जाए तो डिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या होते हैं, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का एस आई यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि स्पीड और वेलोसिटी का एस आई यूनिट क्या होते हैं, तो स्पीड का एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो अगर दोनों का एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, और दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, ठीक है। चलो तुमसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लो कि एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, बताओ तुम लोग। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी का एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन वेलोसिटी का भी एस आई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का एस आई यूनिट है वही एस आई यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का भी होगा, और इससे जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अभी हम लोग देखें कि चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन इज सेम एज वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर, विच इज एल टी माइनस वन, ठीक है, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। अच्छा, इधर साइड में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन आंसर देते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर एच सी वर्मा पढ़ोगे तो उसमें ऐसा ही रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी एल टी माइनस वन है और टाइम क्या है, टी है, तो अल्टीमेटली मिलेगा एल टी माइनस टू, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को तुम लिख सकते हो वी माइनस यू और टाइम को लिख सकते हो टी, ठीक है। तो v मास u अपॉन t, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u का डायमेंशन क्या होगा, एल टी मास वन, v का डायमेंशन क्या होगा, एल टी मास वन, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t, ठीक है। चलो अब प्रिया तुम बताओ कि एल टी मास वन माइनस एल टी मास वन क्या होगा, एल टी मास वन माइनस एल टी मास वन क्या होगा, क्या होना चाहिए। भास्कर खुआस आप बताइए क्या होना चाहिए, सर एल टी माइनस वन ही होना चाहिए, एल टी माइनस वन ही होना चाहिए, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए भाई, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डायमेंशन है, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायमेंशन में माइनस करने के बाद जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो डायमेंशन एस आई यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है। डायमेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, एस आई यूनिट से रिलेटेड है। तो डायमेंशन में माइनस करने के बाद में जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि अगर मान लो कि दो क्वांटिटी का डिफरेंस है, जैसे v मास u है, तो v का डायमेंशन एल टी मास वन है और u का भी डायमेंशन एल टी मास वन है, तो क्या करेंगे कि एल टी मास वन माइनस एल टी मास वन को जीरो लिख देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है तो उसका प्लस मतलब उसका सम या डिफरेंस, अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशन इक्वल है तो उसका सम और डिफरेंस का डायमेंशन भी सेम ही होगा, ठीक है। सम में ऐसा नहीं होगा कि टू टाइम्स हो जाएगा और डिफरेंस में ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो होप कर रहे हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी एंड यू हैज सेम डायमेंशन एंड वी माइनस यू हैज डायमेंशन ऑफ वी, यहाँ पे वी एंड यू
has same dimension. और वो डायमेंशन किसके बराबर है? एल टी मास वन के बराबर है, ठीक है। इसके बाद वी एंड वी मास यू, ठीक है, का डायमेंशन सेम होगा। मतलब इसको ऐसा भी सकते हो कि जो वी का डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या होगा? वी मास यू का डायमेंशन होगा, और वही डायमेंशन वी प्लस यू का भी होगा, ठीक है। एक और चीज, इवन किसी को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2v लिख दें और 3u लिख दें, तब भी डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर v का डायमेंशन lt मास 1 है तो 2v का डायमेंशन क्या होगा? lt मास 1। हाफ v का डायमेंशन क्या होगा बताओ तुम लोग? हाफ v का डायमेंशन क्या होगा? LT मास वन ही, मतलब सेम ही होगा, ठीक है। हाँ, तो मतलब कोई भी क्वांटिटी को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, अब फिजिक्स में है, ठीक है। प्रियांशु, कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं? प्रियांशु, कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं बताइए, जो भी आपको समझ में आता है बताइए। प्रियांशु है? शायद नहीं है, है लेकिन गिटार बज रहा है आपका, गिटार बज रहा है आपका, चलिए कोई नहीं। गिटार बज रहा मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ सर, जो जिसका वैल्यू हमेशा मतलब एक वही रहे, अनचेंज्ड हो, एक ही कांस्टेंट रहे, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट शुड बी ए नंबर, बोलिए ट्रू और फॉल्स, कांस्टेंट शुड बी ए नंबर, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू, कितने लोग ट्रू बोल रहे हैं भाई? कोई फॉल्स भी बोलो भाई, कोई फॉल्स भी बोलो, हमको मजा आएगा। कोई फॉल्स नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं फॉल्स। अच्छा, कैपिटल जी क्या होता है? कैपिटल जी क्या होते हैं? कैपिटल जी क्या होते हैं? 6.67 into 10 to power of minus 11, बस यहीं तक, फुल स्टॉप। आगे कुछ होता भी है? क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, जी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ बोलिए। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं उस पर, ठीक है। आप लोग से पूछ नहीं, आप लोग नहीं बताएं उस समय, ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है सर। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, वैसे सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10 पावर ऑफ मास 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल जी एक कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट ए नंबर, यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी है, मतलब दिस इज नॉट ए डायमेंशन लेस नंबर। बढ़िया, हम लोग को बोलना चाहिए दिस नॉट ए डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है। अब आप लोग को बता रहे हैं कि कांस्टेंट का मतलब जस्ट नंबर नहीं होता है, इट कैन बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट कैन बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट कैन बी स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब जस्ट नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि मान लो कि वी का डायमेंशन एल टी माइनस वन है, और वी को अगर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी यूनिट नहीं लगा हुआ है, जैसे कैपिटल जी एक कांस्टेंट है लेकिन इट इज नॉट ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसमें कुछ डायमेंशन था, ठीक है, मतलब कुछ यूनिट था। अगर कुछ यूनिट है तो डायमेंशन भी होना चाहिए इन जनरल। चलो कोई नहीं, तो हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो वी का डायमेंशन एल टी माइनस वन है तो टू वी का डायमेंशन एल टी माइनस वन ही होगा, हाफ वी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होगा, लेकिन वी स्क्वायर कर दे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा। नहीं आ रहा है।
पक्का सबको नहीं आ रहा है सर? क्लियर है सर, क्लियर आ रहा है सर। क्लियर है, वो नेट का प्रॉब्लम होगा। देखो मेरा सब सिस्टम सही है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ठीक है, और सब कुछ सही है, तो मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा मे बी, ठीक है। ऐसे एक और चीज़ बता रहे हैं, अगर क्लास में कभी दिक्कत हो जाए, इन केस दिक्कत हो जाए, तो उस क्लास को हम उसी दिन रात में अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तुमको हम बता रहे हैं, हम दिन भर में लगभग 18 घंटा काम करते हैं, ठीक है, दिन भर में बता रहे हैं 18 घंटा काम करते हैं। कैसे, वो बताते हैं तुमको, ठीक है। हम एक कंपनी के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, रिलायंस की एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। उसमें मेरा कम से कम 8 से 10 घंटा डेली जाता है, ठीक है। ये एक कंपनी है जिसका नाम है इम्बाइब। इसके बाद 11, 12, 10 तीन क्लासेस को पढ़ाते हैं, 4.5 घंटा हो गया, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए हमको एडिट करना पड़ता है, ठीक है, और उसमें भी बहुत टाइम जाता है, 4-5 घंटा चला जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा काम है, नोट्स हम बनाते हैं, अभी हम एक बुक भी लिख रहे हैं, तुम लोग को बता रहे हैं, एक बुक भी लिख रहे हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है, उसमें भी टाइम जाते हैं। तो लिटरली 17 से 18 घंटा मेरा टाइम चला जाता है डेली। तो अगर तुम लोग उतना पढ़ोगे तो आईटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, तुम देखना जब भी हम वीडियो डालेंगे तो रात में 12-1 बजे डालेंगे, ठीक है। और हाँ देखे ना, हम देखे हैं 12 बजे 1 बजे प्रीमियर करते हैं आप। हाँ वही चीज प्रीमियर, ठीक है, कोई नहीं, निशाचर है, निशाचर रात में जागते हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होते हैं? MLT square. हाँ, अभी हम ये पूछे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F=ma, ठीक है। एम का डायमेंशन एम होगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी तुरंत देखे थे, ठीक है, LT-2। हाँ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, LT-2, तो MLT-2, और इसको याद कर लो, ठीक है, क्या कर लो, इसको याद कर लो कि हाँ फोर्स का डायमेंशन इज MLT-2, ठीक है। उसी तरह से अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम को हम लोग पी से नोट करते हैं, हाँ, तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का डायमेंशन m होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, अभी तुरंत देखे थे, ठीक है। तो इससे मोमेंटम का डायमेंशन हो गया MLT-1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब डिफरेंस, ऐसे अगर कोई भी फॉर्मूला पता रहेगा तो तुम डायमेंशन बता दोगे। अब अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सर, M-1 L3 T^-2। अरे वाह, याद है तुमको भाई, मुझे याद नहीं है। नहीं सर, निकाले थे। अरे ठीक है, जो भी हो, मतलब अच्छा बात है, हम भी हर बार निकालते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मेरा मेमोरी नहीं है, ठीक है, पूरा भुलक्कड़ है। चलो कोई नहीं, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग जानते होगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F=g m1 m2 / r2, ठीक है। तो हम लोगों को जी चाहिए, ठीक है, तो अगर जी चाहिए तो जी को लेफ्ट में रखो, बाकी सब दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो क्या मिलेगा, F r² / m1 m2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए, इधर उधर किए, ठीक है, 9-10 में बहुत इक्वेशन तुम लोग किए हो। तो जी का डायमेंशन क्या होगा, जी का डायमेंशन होगा F r² / m1 m2 का डायमेंशन, ठीक है। F यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन अभी हम बोले थे कि रट्टा मार लो, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, ठीक है। R मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ। R जो यहाँ पे जो R है, ये R क्या है, डिस्टेंस है, वो R यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो R डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर,
फिर डिनोमिनेटर में m1 m2 है, m1 मास है, m2 भी मास है, मास का डायमेंशन m होता है, तो m इंटू m, m इंटू m क्या हो गया m स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले m पे फोकस किए तो m अपॉन m स्क्वायर क्या मिलेगा, m का पावर माइनस वन। एल पे फिर फोकस किया जाए तो l और l स्क्वायर क्या मिलेगा, l क्यूब। फिर t का एक ही टर्म है, t का पावर माइनस टू, तो m का पावर माइनस वन, l क्यूब, t का पावर माइनस टू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में आपसे यह पूछा गया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब नाम ही पहली बार सुन रहे हैं भाई, तो बताएंगे कहां से। ठीक है, तो आप नहीं बता पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप तो नाम ही नहीं सुने हैं, पहली बार नाम सुन रहे हैं यहाँ पे, कौन सा जानवर है। ठीक है, कोई नहीं, तो अब आप हम आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू माइनस ईटा पत्थर। ठीक है, माइनस ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा। ठीक है, तो माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ जो ईटा है वही है कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो एफ यहाँ पे फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, क्या होता है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ईटा इज कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है एरिया, वी है वेलोसिटी और एक्स है सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो डी डी है ये है डेरिवेटिव। ठीक है, डी डी क्या है, डेरिवेटिव। आगे डी डी हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब डायमेंशन में उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मतलब डी डी को हम डायमेंशन लेस एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, डी डी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मेन सिग्निफिकेंस वी और एक्स का है। ठीक है, मेन सिग्निफिकेंस किसका है, वी और एक्स का। ठीक है, मतलब डी वी बाई डी एक्स अगर दिया रहे तो डी वी बाई डी एक्स का जो डायमेंशन होगा दिस इज सेम एज वी बाई एक्स का डायमेंशन। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखो, मतलब d बाई डी रहे उसके साथ कुछ भी लगा हुआ रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे v लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो d का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस v और x का ही सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लिए, तो f है मास ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, और हम लोग को बताना है ईटा का डायमेंशन। तो ईटा इधर रखो, बाकी जितना भी पत्थर है इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो हम लोग ईटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस एफ अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी वी। ठीक है, और बताना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। ठीक है, तो देखो ईटा का जो डायमेंशन होगा दिस इज सेम एज माइनस एफ अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स का डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले किन्हीं से पूछा जाए, गैलेक्सी कौन है, गैलेक्सी आप बताइए कि माइनस का डायमेंशन क्या होगा, ये माइनस आगे लगा हुआ इसका डायमेंशन क्या होगा, कोई बताइए, कोई भी बताइए माइनस का डायमेंशन क्या होगा। माइनस बोलने का मतलब हुआ माइनस वन, माइनस वन मतलब एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो अगर आगे माइनस आ जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एफ यहाँ पे फिर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। फिर ए एरिया है, एरिया मतलब कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब दो लेंथ का प्रोडक्ट हो रहा है, दो लेंथ का प्रोडक्ट हो रहा है। तुम लोग सर हम एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं लेंगे, मत लो भाई, तुम्हें क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, और आगे हाफ है, हाफ मतलब नंबर, डायमेंशन इज कॉन्स्टेंट, तो डायमेंशन में हाफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बचा बस बेस और हाइट, बेस लेंथ होता है, हाइट भी लेंथ होता है।
तो उसका डायमेंशन क्या हुआ, तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। समझ पा रहे हो तुम लोग कि दिक्कत? चलो ठीक है। अब इसके बाद एक्स, एक्स एक्स मतलब क्या हुआ, लेंथ, ठीक है। एक्स दिया हुआ डिस्टेंस, तो अगर एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल। और फिर भी वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो पहले एम पे फोकस किया जाए, एम एक ही है तो एम का पावर वन। फिर एल पे फोकस किया जाए तो एल 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 स्क्वायर, ये तीन एल तो गया, बस एक एल बचा डिनोमेटर में, तो उसके बदले क्या मिलेगा, एल का पावर माइनस वन, ठीक है। फिर देखो इधर टी का पावर माइनस टू है और इधर टी का पावर माइनस वन है, तो टी का पावर माइनस टू इंटू टी का पावर माइनस टू अपॉन टी का पावर माइनस वन क्या मिलेगा बताओ, टी का पावर माइनस वन, ठीक है। तो इसे ईटा का डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। और तुम याद रख सकते हो, बायो वाले जो बच्चे हो तो याद रखो ही, ठीक है, और बाकी लोग भी इसको याद रख सकते हो। तो बायो वाले में मतलब नीट में बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, ठीक है, जो भी है बायो में तो बहुत चीज़ रट्टा मारना होता है। खैर मैथ्स वाले स्टूडेंट को हम रटने के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ याद रख सकते हो। चलो ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉर्मूला पता है तो हम लोग डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी का भी लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका भी डायमेंशन बता सकते हैं, और जो राइट साइड में उसका भी डायमेंशन बता सकते हैं। और हम लोग दो तीन पॉइंट नोट किए हैं कि माइनस वन अगर दे दिया जाए तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। किसी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो भी एप्लीकेशन था वो था एप्लीकेशन ऑफ एम एल टी। अब हम बढ़ा रहे हैं, अब हम आई इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आई, आई किसका डायमेंशन होता है, आई किसका डायमेंशन होता है, करेंट का, करेंट का, राइट राइट। चलो तो अब हम ये सब का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप डायमेंशन बताइए चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन बताइए क्यू का। तो स्टैंडर्ड 10 में आप लोग पढ़ेंगे कि करेंट होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करेंट आई होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई टी। तो इसलिए क्यू का जो डायमेंशन होगा वो आई इंटू टी के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। आई का डायमेंशन आई होता है और टी का डायमेंशन क्या होता है, टी। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया आई टी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किन्हीं को याद है बताइए, तो स्टैंडर्ड 10 में था पोटेंशियल डिफरेंस, सर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। कौन बोले, नाम क्या है आपका, डब्ल्यू बाई क्यू, हाँ नाम क्या है बताइए, सर वैभव कुमार, वैभव कुमार, ठीक है। और कोई बोल रहे थे, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो वी होता है W बाई क्यू, तो इससे वी का डायमेंशन W बाई क्यू का डायमेंशन होगा। अब क्वेश्चन है W का डायमेंशन क्या होगा भाई, वॉकडन क्या होता है, चलो वहीं लिख देते हैं, वॉकडन होता क्या है, वॉकडन के लिए कोई फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हाँ एफ इंटू एस, एफ का डायमेंशन क्या होगा, तो रट्टा मारने बोले हैं एम एल टी माइनस टू, हाँ, और एस डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, एल। और क्यू चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन अभी तुरंत बताए थे क्या था, आई टी, ठीक है। अब बताओ तुम लोग कि इसका डायमेंशन क्या मिला, किसका डायमेंशन मिला, पहले एम लिखेंगे फिर एल लिखेंगे तो एल स्क्वायर, फिर टी लिखेंगे तो टी का पावर माइनस थ्री, फिर आई लिखेंगे तो आई का पावर माइनस वन, ठीक है। मतलब सीक्वेंस ये होता है कि पहले एम लिखो फिर एल लिखो फिर टी लिखो फिर आई लिखो, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलो नंबर थ्री, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ था जिसका नाम था ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता था, मतलब फॉर्मूला बताओ, स्टेटमेंट मत बताओ, V इक्वल टू आई आर,
राइट राइट करेक्ट. तो वी इक्वल टू आई आर. अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो वी अपॉन आई का डायमेंशन, और वी का डायमेंशन अभी निकल चुका है. ठीक है, वी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 आई का पावर माइनस 1, और आई का तो आई ही होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 आई का पावर माइनस 2. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. चलो, इस तरह का कोई फॉर्मूला पढ़े थे, एफ इक्वल टू बिल, कहाँ पढ़े थे, कौन सा चैप्टर में? ठीक है, बी आई एल साइन थीटा होता है प्रॉपर टाइप. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे बी कौन सा जानवर है? बी इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट. ठीक है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी. तो बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एफ अपॉन आई एल. ठीक है, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, एफ अपॉन आई एल का डायमेंशन के बराबर होगा. ठीक है, तो अगर एफ अपॉन आई एल हुआ, ठीक है, तो एफ का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2, आई आई है, एल एल है. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिला, एम एल चला गया ना, टी माइनस 2 आई माइनस 1. सही लिखे हैं, गलती तो नहीं लिखे ना, देखना हम गलती बहुत करते हैं. ठीक है, हमको कैलकुलेशन करने नहीं आते हैं. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम ये पूछ रहे हैं कि परमिएबिलिटी कांस्टेंट कुछ होता है. ठीक है, कुछ होता है जो कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में. नहीं 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 नहीं. ठीक है, चलिए ठीक है, अब वेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. परमिएबिलिटी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ना है, और उसके लिए कुछ इस तरह का रिलेशन होता है कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी या R, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है. B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. यहाँ म्यू नॉट है परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट नहीं है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है. ठीक है, और अगर पूछा जाए कि म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो म्यू नॉट को एक साइड लिख चले गए, बाकी सबको दूसरे साइड में, तो 2 पाई बी डी अपॉन आई. ठीक है, अब म्यू नॉट का डायमेंशन बताते हैं. तो म्यू नॉट का डायमेंशन अगर बताना है तो कुछ इस तरह से होगा, कि बी का डायमेंशन इक्वल टू राइट साइड में 2 पाई का डायमेंशन. ठीक है, तो 2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, फिर पाई भी तो कांस्टेंट ही है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही है. ठीक है, अच्छा, पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? इरैशनल, सबको पता है ना. हाँ, इरैशनल है. चलो ठीक, पाई 22/7 होता है कि नहीं होता है? 7, 22/7. तो 22/7 रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल है, रैशनल है. तो पाई इरैशनल कैसे हो गया? राइट, यही हम सुनना चाह रहे थे. ठीक है, चलो ठीक है, तब तो तुम लोग सब अच्छा बच्चा हो. ठीक है, तो बी का डायमेंशन बोल रहे हैं, म्यू नॉट का डायमेंशन बताना ना. तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो राइट साइड में 2 पाई का डायमेंशन, तो 2 डायमेंशनलेस है, पाई भी डायमेंशनलेस है, फिर बी बचा. ठीक है, तो बी का डायमेंशन अभी तुरंत निकाले थे,
बी का डायमेंशन था एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है। तो बी के लिए लिख दिए एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है। फिर डी, डी मतलब लेंथ है, डी मतलब क्या है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल, माइक म्यूट कर लीजिए। फिर आई, आई का डायमेंशन आई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले एम लिखो, फिर एल लिखो, फिर टी लिखो, फिर आई लिखो, ठीक है। सही लिखे हैं कि गलती किए हैं, देखो। तो बी का डायमेंशन तो पहले निकाल चुके थे एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है। डी का एल हो गया और नीचे आई है, तो एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, ठीक है। ये हो गया मी नॉट का डायमेंशन। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। परमिटिविटी कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट में लिख दिए, बाकी सब राइट लेके जाओ, तो वन अपॉन फोर पाई एफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो पहले वन दिख रहा है, वन तो डायमेंशन लेस है, फिर न्यूमरेटर में क्यू वन दिख रहा है, क्यू वन क्यू टू चार्जेज है, और चार्ज का डायमेंशन क्या था आई टी, ठीक है। तो क्यू वन का डायमेंशन आई टी, दूसरा क्यू टू का भी डायमेंशन आई टी, तो आई टी का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर टी स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। क्यू वन क्यू टू का डायमेंशन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आई स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं आप लोग को, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन हम शेयर ही नहीं कर रहे हैं क्या, आ रहा है ना, ओ हम बिल्कुल घबरा गए, चलो कोई नहीं, ठीक है। जिनको स्क्रीन दिख रहा था क्यू वन क्यू टू में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा डिनोमिनेटर में फोकस करेंगे, तो फोर पाई डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, उसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। फिर एफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू, फिर आर स्क्वायर, आर होता है डिस्टेंस, तो आर का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिखो, पहले एम लिखे तो एम का पावर माइनस वन, फिर एल लिखो तो एल का पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। फिर टी लिखो तो टी का पावर हो जाएगा फोर, और फिर आई लिखो तो आई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर में रूट वन है, रूट वन मतलब वन है, वन तो डायमेंशन लेस है, उसको कंसीडर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में म्यू नॉट पहले, तो म्यू नॉट का डायमेंशन यहाँ पे पता है, ठीक है। तो म्यू नॉट के यहाँ पे क्या लिख दिए एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, फिर डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी पहले से पता है, उसका डायमेंशन है एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर आई स्क्वायर, न्यूमरेटर में वन लिख दो और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। पहले एम पे फोकस किया जाए, एम और एम का पावर माइनस वन क्या मिला, कैंसिल हो गया, एम इंटू एम का पावर माइनस वन मतलब कि एम का पावर जीरो मतलब वन, गया नानी घर, ठीक। फिर एल और एल का पावर माइनस थ्री क्या मिलेगा, एल का पावर माइनस टू, लेकिन डिनोमिनेटर में एल का पावर माइनस टू है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर टी का पावर माइनस टू टी का पावर फोर,
टी का पावर माइनस टू, टी का पावर फोर, तो डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर, न्यूमरेटर में आ जाएगा तो टी का पावर माइनस टू, ठीक है। फिर आई का पावर माइनस टू और आई स्क्वेयर, आई का पावर माइनस टू और आई स्क्वेयर, तो आई का पावर माइनस टू और आई स्क्वेयर कितना मिलेगा, आई का पावर जीरो, तो आई का पावर जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। और ऊपर में वन था तो इसका रूट, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एल, और टी का पावर माइनस टू का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए आप लोग, टी का पावर माइनस टू का स्क्वायर रूट क्या होगा, टी माइनस वन। और एल टी माइनस कुछ होता है किसके, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, ठीक है। अंडर रूट वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, और ये होता है सी के बराबर। सी क्या होता है, सी होता है क्या है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में अंडर रूट वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिशन में, ठीक है। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में डायमेंशनल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन आया था। तो कोई बच्चा अगर बोलता है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बकवास है, आईआईटी कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन आया था, और वो तीनों इजी क्वेश्चन था, बस पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आइडिया लगभग क्लियर हो गया कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कैसे होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन टेम्परेचर पर रिलेटेड करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या बताए थे बताइए, के, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन होता है के, ठीक है, के होता है, या किसी किसी बुक में थीटा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग के ही फॉलो करेंगे कि टेम्परेचर का डायमेंशन क्या लेंगे, के लेंगे। चलिए, जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लिख रहे हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन पहले कभी कोई पढ़े हैं, पढ़े हैं, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस का कांस्टेंट, आर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पी होता है प्रेशर, पी इज प्रेशर, ठीक है, वी है वॉल्यूम, टी है टेम्परेचर, और एन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, वन मोल इक्वल टू कितना होता है बताओ तुम लोग, 23। अच्छा, 6.02×10⁻²। बहुत छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा है, छोटा, बहुत बड़ा नंबर होता है, साइंस के मामले में छोटा नंबर के बारे में बड़ा, साइंस के मामले में छोटा कैसे हो गया भाई, कौन बोल दिया साइंस के बारे में, मतलब सर हम ही बोल रहे थे सर, हम ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पीस पीस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, और 6.02×10⁻², ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, अच्छा ऑक्सीजन का मास कितना लेते हैं,
16, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 32, 32 क्या ग्राम? 32 होगा एक मॉलिक्यूल। अच्छा, रहने दीजिए वो सब। हाँ, AMU होगा, AMU होगा, आप सही बोले, ठीक है, AMU होते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी वो डिस्कशन नहीं हम लोग का, अभी हम लोग PV इक्वल टू NRT डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को R चाहिए, R को क्या लिखोगे आप? PV अपॉन NT, ठीक है। तो R का डायमेंशन हुआ PV अपॉन NT का डायमेंशन। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर के लिए कुछ फॉर्मूला पता है आप लोग को? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, राइट। तो F अपॉन VV NT इज NT, ठीक है। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? बहुत जगह यूज कर दिए, -2, ठीक है। इसके बाद भी वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L क्यूब। वॉल्यूम मतलब साइड का क्यूब, जैसे कि अगर क्यूब ले लें तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा? साइड का क्यूब होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर साइड का क्यूब हो गया तो उसका डायमेंशन होगा L क्यूब। फिर एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L स्क्वायर। एन का डायमेंशन क्या होगा? मोल, MOL। एन का डायमेंशन मोल होते हैं, और टी का डायमेंशन के, ठीक है। यहाँ अपने आप दो डायमेंशन यूज हो गया, मोल भी यूज हो गया और के भी यूज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एम लिखो, फिर एल लिखो। तो एल अल्टीमेटली कितना होगा? एल का पावर 4 L स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। टी, टी का पावर -2, ठीक है। फिर कैलविन लिख दो, मतलब के लिख दो, के का पावर -1। फिर मोल लिख दो, तो मोल -1, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ ML स्क्वायर, T -2, K -1, mol -1, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा आइडिया क्लियर हो गया कि डायमेंशन से हम लोग किसी भी, अगर फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है। अब एक बार देख लिया जाए कि इसका डायमेंशन क्या, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि स्कूल एग्जाम भी देना है तुम लोग को, ठीक है। तो सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ना है, स्कूल एग्जाम भी देना है। तो एक बार डायमेंशन का ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, पावर्स को एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। फिर से, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो कि हम किसी क्वांटिटी में डिपेंडेंट हुए, जैसे वर्कडन में इंटरेस्टेड हो गए, वर्कडन में, जैसे यहाँ पे वर्कडन दिख रहा है, राइट साइड में देखो जहाँ पे एफ दिख रहा है वहाँ पे वर्कडन, W इक्वल टू FR, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्कडन का डायमेंशन है वो अल्टीमेटली क्या है? ML T -2। वर्कडन का डायमेंशन क्या है? ML स्क्वायर T -2, ML स्क्वायर T -2 वर्कडन का डायमेंशन, ठीक है। तो वर्कडन का डायमेंशन में देखो M दिख रहा है, L स्क्वायर दिख रहा है, T -2 दिख रहा है। M क्या है? तो M मास का डायमेंशन है, मास एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, या बेस क्वांटिटी है, मास एक बेस क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन M है। और इधर वर्कडन में M का पावर 1 दिख रहा है। फिर देखो L स्क्वायर दिख रहा है, L मतलब कि एक बेस क्वांटिटी है लेंथ, जिसका डायमेंशन है L, ठीक है। और यहाँ पे वर्कडन में L स्क्वायर दिख रहा है। सिमिलरली वर्कडन में T का पावर -2 दिख रहा है। तो T क्या है? T है एक बेस क्वांटिटी टाइम का डायमेंशन, और T का पावर -2 मतलब उसका पावर, ठीक है। तो यहाँ वर्कडन एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उसको एक्सप्रेस किए हैं ML T के पावर के टर्म में, ML T के पावर के टर्म में, जहाँ ML T क्या है? तो ML T बेस क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो यही इसका डेफिनेशन है कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, मतलब जिस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है।
डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि उस क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी के पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो होप कर रहे हैं डायमेंशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, आज मैथ्स का क्लास हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक मीटिंग है मेरा, ठीक है, शाम में। तो हम बताए थे ना एक, हाँ, एक कंपनी के लिए भी काम करते हैं, तो आज का मैथ्स का क्लास कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमेशा नहीं रहेगा, ये तो हम एक्स्ट्रा क्लास रखे थे, जो आपका रेगुलर क्लास है वो चल रहा है, मैथ हम अलग से रखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला एप्लीकेशन ही आज हो पाएगा जिसका नाम है डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। तुम लोग पढ़े होगे होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? हाँ, जिसका कंपोजिशन एवरीवेयर यूनिफॉर्म हो, ठीक है, सही बोल रही है, सही बोल रहे हैं सब लोग। तो जिसका कंपोजिशन एवरीवेयर यूनिफॉर्म हो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। तो डायमेंशनल होमोजीनिटी में यहाँ पे होमोजीनिटी है, मतलब होमोजीनियस से मिलता जुलता वर्ड है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर होगा। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को आप लोग स्टैंडर्ड 10 से स्टैंडर्ड 9 से जानते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है उस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, तो एस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल। फिर राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट डायमेंशन है यू टी, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यू टी, उसका डायमेंशन बताया जाए। तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, और फिर टी, टी मतलब टाइम, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। हाफ में हाफ एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ज़्यादा अच्छा हम बोलेंगे डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, और टी टाइम, तो टी का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो ये भी एल हो गया, ठीक है। ऐसे राइट साइड में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दिया अलग बात है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई नहीं, बुक्स में लिखता है, एच सी वर्मा में नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, जो एस का डायमेंशन है वही डायमेंशन यू टी का है, और वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का है, ठीक है। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। जैसे एक चीज समझो, तुम लोग अलजेब्रा बहुत पढ़े हो, एक्स प्लस टू एक्स लिखोगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि एक्स प्लस टू वाई क्या हुआ, तो क्या लिखोगे तुम, एक्स प्लस टू वाई, तो एक्स प्लस टू वाई ही होगा ना, सिर्फ लाइक टर्म ही ऐड कर सकते हो ना, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमसे 5 मीटर प्लस 7 मीटर ऐड करने के लिए दिया जाए तो क्या होगा, 12 मीटर। अगर तुमसे कोई बच्चा ऐसे पूछ दिया कि 5 मीटर प्लस 7 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 5 मीटर प्लस 7 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, होगा ही नहीं, ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बोलना ही गलत है, क्योंकि इधर साइड में मीटर बोल रहे हैं, इस साइड में मीटर पर सेकेंड, मतलब हम डिस्टेंस के साथ स्पीड को ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस ऐड होगा, स्पीड के साथ स्पीड ऐड होगा,
ठीक है, या फिर माइनस भी होगा तो डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस होगा, स्पीड के साथ स्पीड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में राइट साइड में यू टी के साथ अगर हाफ ए टी स्क्वायर को ऐड किए हैं तो पक्का यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर दोनों का एस आई यूनिट सेम होगा, और एस आई यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हाफ ए टी स्क्वायर और यू टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए बिना कुछ किए हुए, तो हम तुरंत बोल सकते हैं एस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन होगा उसका जो एस आई यूनिट होना चाहिए एस के एस आई यूनिट के बराबर होना चाहिए, और एस का एस आई यूनिट होता है मीटर, इसे यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर दोनों का एस आई यूनिट मीटर ही होना चाहिए, इससे दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए एल, मतलब डायरेक्ट भी हम ऐसा बोल सकते थे, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया रहे तो उस एक्सप्रेशन में जितना भी टर्म्स होगा सबका डायमेंशन इक्वल होगा, ठीक है। कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया रहे तो उस एक्सप्रेशन में जितना भी टर्म्स होगा सबका डायमेंशन क्या होगा इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। और इसका यूज करके हम लोग इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। कोई इक्वेशन और किसी एक्सप्रेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहले डायमेंशनल होमोजेनिटी हुआ क्या है वो लिख देते हैं एक बार। तो ईच टर्न इन एन एक्सप्रेशन हैज सेम डायमेंशन, ठीक है, एंड इट इज यूज टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन या एक्सप्रेशन, ठीक है। टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी लिखे हैं, कोई बोल पाइएगा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एस यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर तीनों का डायमेंशन क्या है सेम है। इसको हम कभी कभी ये भी बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इस चीज़ को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोग से पूछेंगे कि वर्क डन का डायमेंशन होता है ml² t - 2 वर्क डन का डायमेंशन होता है ml² t - 2। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी, क्या होगा बताइए तो आप लोग? ml² t - 2। क्यों, क्या रीजन है? सब एनर्जी है, सब एनर्जी या वर्क डन है, या एनर्जी या वर्क डन जितना भी है सबका यूनिट सेम ही होता है। सबका यूनिट सेम रहता है, ठीक है, सबका यूनिट सेम होता है, सबका यूनिट सेम होता है, यूनिट क्या होता है जूल। तो अगर सेम यूनिट है तो डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। तो ये सब जितना भी है सबका डायमेंशन क्या होगा ml² t - 2 ही होगा, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े हो स्टैंडर्ड 9th में, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो लिख दिए w = k2 - k1, ठीक है। तो w = k2 - k1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड में w का डायमेंशन क्या होगा, यही k2 और k1 दोनों क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो उन दोनों का भी डायमेंशन क्या होगा ml² t - 2। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो w का डायमेंशन है वही k2 का डायमेंशन है वही k1 का डायमेंशन है, और सब किसके बराबर है तो ml² t - 2 के बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम अब 4 मिनट कुछ बच रहा है, ठीक है,
तो उसके बाद ओवर ही हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन बन पाएगा. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ अननोन्स देंगे ए बी सी ये सब, ठीक है. और हर क्वेश्चन में एस एक्स वाई अगर दिखेगा तो ये है डिस्टेंस, ठीक है. और जहाँ भी टी दिखेगा वो होगा टाइम, ठीक है. पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स इक्वल टू ए टी, स्मॉल ए बी सी दिखे ना, तो एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी अपॉन टी प्लस डी प्लस ई टी प्लस एफ अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है. आपको डायमेंशन बताना है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है. ये एफ है, ए बी सी डी ई एफ का डायमेंशन बताना है, ठीक है. तभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी, तुरंत डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़े हैं, ठीक है. तो डायमेंशनल होमोजेनिटी से हम तुरंत बोल सकते हैं कि जो एक्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए टी का होगा, वही डायमेंशन बी टी स्क्वेयर का होगा, वही डायमेंशन सी बाई टी का होगा, वही डायमेंशन डी का होगा, और वही डायमेंशन ई टी प्लस एफ अपॉन टी स्क्वेयर का होगा, ठीक है. तो चलो सबसे पहले इस पे फोकस किया जाए, इस पे. तो एक्स इक्वल टू ए टी का डायमेंशन, ठीक है, मतलब एक्स का डायमेंशन इक्वल टू ए टी का डायमेंशन. एक्स है क्या, लेंथ, एक्स लेंथ है, डिस्टेंस है, तो एक्स का डायमेंशन एल होगा. ए का डायमेंशन बताना ही है और ए इंटू टी है, टी का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी. तो बताओ ए का डायमेंशन क्या मिला, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन. कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर. अब चलो बी का डायमेंशन बताते हैं. तो बी के लिए एक्स इक्वल टू बी टी स्क्वायर को इक्वेट कर लो, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा मतलब देख करके ही तुम बता सकते हो कि बी का डायमेंशन क्या होगा. yes. क्या होगा बताओ, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्स का डायमेंशन एल होगा, बी का तो डायमेंशन बताना ही है और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो बी का डायमेंशन क्या हो मिला, एल टी माइनस टू, ठीक है. अब सी का डायमेंशन बता दो तो डायरेक्ट. अच्छा हम जिससे पूछेंगे, जिससे पूछेंगे एल टी होगा, ठीक है. सी का डायमेंशन एल टी होगा क्योंकि एक्स का डायमेंशन इक्वल टू सी बाई टी का डायमेंशन, ठीक है. तो एक्स तो एल होगा और उधर सी बाई टी है, तो सी क्या होगा, एल टी. इसको क्या अलग से करके बताने की जरूरत है किसी को भी? नहीं, ठीक है. हम जिससे पूछेंगे वो बताइएगा. हाँ ठीक ठीक, अब हम जिससे पूछेंगे वो बताइएगा. गैलेक्सी ए सेवेंटी कौन है भाई? यस सर. नाम नाम नाम? रवि. रवि, हाँ रवि बताइए डी का डायमेंशन क्या होगा, एल. एल, अच्छा. भास्कर आप बताइए, रवि सही बोल रहे हैं? यस सर. पक्का? ठीक है चलो. तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, सबसे आसान वही है, सबसे आसान तो वही था. yes, कि डी का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ठीक है. तो डी का डायमेंशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ई और एफ का डायमेंशन क्या होगा. पहले बताओ तुम लोग, फिर हम बताएंगे. अब मज़ेदार है, कोई बताओ ई और एफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए. सर LT, हाँ. F का LT square. कौन बोले? हर्ष बोले, ठीक है. वो बोले हम सुन लिए, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है. देखो हम लोग को पता है कि मीटर के साथ मीटर ऐड कर सकते हैं, मीटर के साथ मीटर पर सेकेंड ऐड नहीं कर सकते हैं. मतलब दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा. तो यहाँ न्यूमरेटर में ET और F को ऐड करके रखे हैं, ठीक है. तो न्यूमरेटर में ई टी और एफ को ऐड करके रखे हैं, इसका मतलब हम लोग श्योर हो गए हैं कि जो ई टी का डायमेंशन होगा वही एफ का डायमेंशन होगा, ठीक है. और वही ई टी प्लस एफ का डायमेंशन होगा, क्योंकि ई टी और एफ का डायमेंशन सेम है. तो ई टी प्लस एफ को अगर ऐड कर दें तो उससे जो मिलेगा उसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा. अब हम राइट हैंड साइड वाले जो टर्म है उस पर फोकस कर दिए. तो राइट हैंड साइड में क्या है,
et प्लस एफ अपॉन टी स्क्वेयर, इसका डायमेंशन बताना है। ऑब्वियसली इसका डायमेंशन एस के डायमेंशन के बराबर होगा, और इसका डायमेंशन क्या है, एल, डायरेक्ट हम एल लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे ई टी प्लस एफ की जगह पे एफ लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हो गया एफ का डायमेंशन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर दिख रहा है, तो टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर, और राइट साइड में एल, तो यहाँ से मिल गया एफ का डायमेंशन इक्वल टू एल टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एफ का डायमेंशन आ गया तो इसका यूज करके ई का डायमेंशन आ जाएगा, तो ई इंटू टी इक्वल टू एफ का डायमेंशन, ठीक है। तो ई का डायमेंशन इक्वल टू एफ का डायमेंशन बाई टी, ठीक है, बाई टी। तो एफ का डायमेंशन क्या है, एल टी स्क्वायर और बाई टी, तो अल्टीमेटली क्या मिला, एल टी, ठीक है। तो ई का डायमेंशन मिल गया एल टी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कीजिए, जो हम असाइनमेंट दिए हैं वो इस असाइनमेंट से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, सब तो नहीं बनेगा क्योंकि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।